आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्वा सोच और हिंदू परस्त गुरूर पर मबनी पॉलिसीज ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोरोना वायरस के केसेस का रोज नया आलमी रिकॉर्ड बनता है और केसेस के एतबार से भारत अब दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। एक जानब यह है, दूसरी जानब चीन से सरहदी तनाज़ा जंगी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। रोज़ाना इस हवाले से खबरें आती हैं और इसी पस मंज़र में मईशत का हाल बदतरीन हो चुका है। पिछले क्वार्टर में मईशत 24% सुकड़ गई और इस बिना सोचे समझे लॉकडाउन की वजह से करोड़ों भारतीय बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी वजह से आज जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 70वीं सालगिरह का दिन आया तो भारत के अवाम ने मोदी के साथ जो किया शायद नरेंद्र मोदी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आज पूरे भारत में मोदी के सालगिरह को यौम बेरोजगारी के नाम से मनाया गया। आज सुबह भारत में ट्विटर का टॉप ट्रेंड था कौमी दिन बराए बेरोजगारी। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ट्वीट की कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने नौजवानों को आज के दिन को कौमी दिन बराए बेरोजगारी कहने पर मजबूर किया। बेरोजगार जो लोग हैं ये इस वक्त भारत का सबसे बड़ा मसला है। राहुल गांधी का ये कहना था कि हुकूमत कब तक इससे मुंह फेरेगी। सारा दिन आज सोशल मीडिया पर भारत में बेरोजगारी पर एहतजाज होता रहा, कोई नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाता रहा और कोई मीम्स शेयर करता रहा। भाइयों बहनों, रोजगार पूरे भारत में आवाम ने मुख्तलिफ तरीकों से मोदी के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगारी से तंग अफराद ने एहतजाजन पकौड़े भी बेचे। पैदाइश के दिन सोशल मीडिया पर एक तफरी का जरिया बन गया। सब ने अपनी भड़ास निकाली, तो कोई नकल उतार रहा था तो कोई भपतियां कस रहा था। मोदी की सालगिरह पर आज 70वीं सालगिरह पर सोशल मीडिया पर ट्वीट्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। हमने आपको बताया कि आज सारा दिन टॉप करता रहा यौम बेरोजगारी। अवाम ने नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी फैलाने, नौकरियाँ छीनने वाला वज़ीर आज़म करार दिया। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना काबू में है, तमाम सूरत हाल इसकी कासी करती है। यही वजह है कि 6 महीने के बाद पाकिस्तान में तालीमी इदारे खुल चुके हैं, मगर भरपूर चौकसी हो रही है। जहां पर भी मशकूक सूरत हाल नज़र आती है उस तालीमी इदारे को बंद कर दिया जाता है और काफ़ी इस सूरत पर काफ़ी बड़े एक्शन भी हुए हैं। इस पर पूरी निगाह डालेंगे छोटे से वाक़े के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान में कोरोना काबू में है और वो कैफियत जो भारत में हम देख रहे हैं ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी वजह से पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज से जारी हैं, सनती सरगर्मियाँ पूरे अंदाज से जारी हैं और इसी एतमाद के नतीजे में बिलाखिर हुकूमत ने फैसला किया था कि तालीमी इदारे खोल दिए जाएँ। 6 माह की बंदिश के बाद अब तालीमी इदारे खुल रहे हैं, फेज में काम हो रहा है। और इसी दौरान इस पूरे पस मंज़र में जबकि मरहलावार तालीमी इदारे खुल रहे हैं, हुकूमत की चौकसी भी बढ़ रही है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से बताया गया है कि इस विजिलेंस के नतीजे में पिछले 48 घंटों में SOPs इख्तियार न करने पर 22 तालीमी इदारों को पाकिस्तान भर में बंद किया गया है। गोया के हुक्काम भरपूर अंदाज से जायज़ा ले रहे हैं कि जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं तो इस दौरान इस वबा का कहीं दोबारा फैलाव देखने में न आए। कल IBA कराची के कैंपस में 2 तालिब इल्मों को कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद IBA के सिटी कैंपस में तदरीसी अमल को 2 रोज़ के लिए मुअत्तर कर दिया गया था और दोनों तालिबे जो थे वो IBA के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। इसके साथ एक और वाक़े में हैदराबाद डिवीज़न के 2 कॉलेजेस के 16 असातिज़ा में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद दोनों कॉलेजेस को बंद किया गया। पेशावर के सिर्फ 1 सरकारी स्कूल के 7 और नौशहरा के स्कूल में 8 असातिज़ा में कोरोना जब मिला उस पर इस दोनों को तालीमी इदारों को बंद किया गया। इससे कबल इस्लामाबाद में टारगेटेड टेस्टिंग के दौरान एक तालीमी इदारे में 16 केसेस रिपोर्ट होने पर उसे भी सील कर दिया गया था।
तीन रोज में सबसे ज्यादा तालीमी इदारे केपी में बंद किए गए हैं जिनकी तादाद 16 है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में 5 तालीमी इदारे सील किए जा चुके हैं। एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सूबाई और ज़िले सतह पर मॉनिटरिंग टीम्स को सौंपी गई है। जो तालीमी इदारे एसओपीज की खिलाफवर्जी करते हैं उन पर जुर्माने भी किए जाएंगे और उनको बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं, और ये मुसलसल अमल जारी है। तालीमी इदारे 3 मराहल में खोले गए थे। पहले मरहले में नवी 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा को स्कूल बुलाया गया, जबकि 23 सितम्बर को 6ठी से 8वीं जमात के तालिब इल्म को स्कूल आने की इजाज़त होगी। गोया के अब ये 23 सितंबर से अगला मरहला होगा और फिर आखिरी मरहले में 30 सितंबर से तमाम प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए जाएंगे और फिर यानी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे खुले हुए होंगे। ये मरहला, ये एक्सपीरियंस कैसे गुजर रहा है, इसके बारे में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हैं हेल्थ के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पहले दिन से हुकूमत के इस कोरोना पॉलिसी का एक बड़ा फोकल पर्सन है, आप शख्सियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो कोरोना पॉलिसी है और उसके बड़े बड़े मुस्बत नतीजे आए, पूरी दुनिया हमें उसको सराह रही है। ये फरमाइएगा जो ये हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का एक्सपीरियंस किया और अब तक जो हमें इस सिलसिले में अपडेट्स मिल रही हैं, आर यू लिटिल कंसर्न, कुछ आपको तशवीश है या आप हालात वैसे ही हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। ये आपका सवाल बिल्कुल आजकल के हिसाब से इंतहाई मौजू है कि इसको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है और इस पर क्या हम तसल्ली रखते हैं या हमें कुछ तशवीश है। पहली बात तो ये कि जहाँ तक तशवीश का या कंसर्न का ताल्लुक है, उसका मामला इस हद तक है कि चूंकि ये हमारे जितनी भी हमारी ओपनिंग्स हमारी सोसाइटी में जो हमने चीज़ें जिन पर बंदिश लगाई थी, जिनको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम किया गया, उनमें जो सबसे बड़ी ओपनिंग है वो ये है। तो कंसर्न और जो इस पर फोकस है वो उस हवाले से है कि 210 मिलियन या 220 मिलियन पॉपुलेशन में से 53 मिलियन, एक चौथाई तकरीबन जो है वो हमारे बच्चे या वो लोग हैं जो कि किसी न किसी तदरीसी या तालीमी इदारे में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कंसर्न उस हवाले से है। दूसरी बात हुई कि ये कैसे किस तरह से चल रहा है। अभी चंद ही दिन हुए हैं, जाहिर है ये नया प्रोसेस है, इसी हफ्ते ये मामला शुरू हुआ है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अमूमी तौर पे हमें अच्छी कंप्लायंस और अच्छी सीरियसनेस दिख रही है। मुझे लगता है कि तमाम लेवल्स के ऊपर असातिज़ा, वालदैन, बच्चे, नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो सब इस बात की अहमियत को समझ रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस अमूमी कैफियत के अलावा हमने स्पेसिफिकली भी जगह जगह ये भी देखना होता है कि क्या कहीं इस चीज़ की, इस अमूमी कैफियत की कोई एक्सेप्शंस तो नहीं प्रैक्टिस हो रही, कहीं एसओपीज़ में कमी तो नहीं, या खुदा ना खास्ता कहीं केसेस तो नहीं डिटेक्ट हो रहे। तो दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, दोनों चीज़ों पर एक्शन करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, जिसका मतलब है देखा जा रहा है कि भाई अगर मास्क पहनने हैं या कोई दीगर एहतियाती तदबीर है तो उसकी कोई ब्रीच या उसकी खिलाफ वर्जी अगर है तो उस सूरत में इदारे को बंद किया जाए या उनको नेसेसरी डिसिप्लिनरी कोई एक्शन किया जाए। और साथ साथ टेस्टिंग भी जारी है, सेंटिनल टेस्टिंग जिसका हमने जिक्र किया। तो हो सकता है कि कोई ब्रीच ना हो रही हो लेकिन उसके बावजूद अमूमी तौर पर कम्युनिटी के ज़रिए अगर किसी को कुछ स्प्रेड हुआ है, जैसे कुछ असातिज़ा हैं मिसाल के तौर पर, उनको हो सकता है घर से या किसी और जगह से इन्फेक्शन आई हो, तो उस सूरत में भी बतौर एहतियात, ये कोई सज़ा नहीं लेकिन बतौर एहतियात उनको कुछ दिनों के लिए बंद करने की हिदायत की गई है। इस सारी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कामरान साहब लोकल है, क्योंकि जाहिर है जहाँ लाखों तदरीसी इदारे हैं इसको सेंट्रली मॉनिटर तो किया जा सकता है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट या इसको इसके ऊपर जो एक्शन है वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें हमेशा प्रोविंसेस को और एक्चुअली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देनी पड़ती है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे सर, मेरी इत्तला। ओवरऑल आप मुतमईन नज़र आते हैं, मजबूरी सूरत हाल से आप मुतमईन नज़र आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने फरमाया कि एक चौथाई आबादी को हमने अब खोल दिया है कि वो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाएँ, बड़े अच्छे नंबर्स हैं, और फिर बाकी ऐसा लगता है कि एक चौथाई आबादी को हमने इजाज़त दे दी है कि अब वो शादियाँ वगैरह हो सके, और पिछले 6-7 महीने से क्योंकि उस अंदाज़ की शादियाँ नहीं हुई हैं तो अब वो शादी हॉल्स भी खुल गए हैं और रोज़ाना हर शादी हॉल में कोई शादी हो रही है। तो वो जो एक चौथाई वो आबादी और एक चौथाई ये आबादी जो शाम को जाएगी शादियों में, वो भी हमने खोल दी है, उसका क्या फीडबैक आ रहा है? वो भी अभी तो खैर 1-2 दिन हुए लेकिन आफ्टर ऑल ये भी एक बहुत रिस्क प्रोन चीज़ है। वजह
बिल्कुल, जो पहला चौथाई हिस्सा है उसका जिक्र पहले कर लेते हैं, जो आपने स्कूलों का जिक्र किया, उसमें जैसे आपने पहले फरमाया कि चूंकि ये बतदरीज अमल हो रहा है, इसमें जो अभी है वो जो पहला लॉट है जो खुला है, जो नवी जमात से ऊपर है, वो उनकी तादाद उतनी नहीं है जितने कि छोटे बच्चों की है। सो इसमें अभी हम उस 25% लेवल पर नहीं पहुँचे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनकी तादाद मिलियंस में है, वो टेंस ऑफ मिलियंस में नहीं। लेकिन जब इस महीना का आखिर आएगा और जब छोटे स्कूल खोलेंगे, जब प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, तो उस वक्त यकीनन ये सूरत हाल हो जाएगी। तो इसको बतदरीज रखने का यही मंतक और वजह थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ते पॉजिटिविटी ट्रेंड्स, टेस्टिंग, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के काबिल हों। तो उम्मीद है कि उस पर, चूँकि हम उसको स्टेप बाई स्टेप कर रहे हैं, तो उस पर एक्शन भी स्टेप बाई स्टेप लिया जा सकेगा। और हाँ, जहाँ कहीं हमें लगेगा कि मामला हद से बाहर हो रहा है, तो वहाँ फिर हमें फर्दर स्कूल क्लोजर्स यानी वापसी दोबारा से बंद करने की ज़रूरत अगर पड़ी तो करेंगे। जो दूसरा आपने मामला बयान किया, बिल्कुल, बहुत अरसे से शादियाँ या नहीं हो रही थी या यू नो कम हद उनकी टोटल तादाद भी और उसमें जो मेहमान बुलाए जाते थे वो भी कम थे, कई दफ़ा लोग घरों में कर रहे थे। तो जैसे ही ये पाबंदी हटी है, इसमें वाज़े एक इजाफा होगा शादियों में। उसमें जो तदबीर की जा रही है वो भी, उसका जो बेसिक फ़लसफ़ा है वो वही है जो किसी भी वबा को रोकने के लिए है, इस तरह की वबा को, और वो है जो डेंसिटी है लोगों की किसी एक क्लोज स्पेस के अंदर, उसको मिनिमम रखा जाए। इसके बारे में भी कुछ हिदायत जारी कर की जा चुकी हैं और कुछ हम थोड़ी फर्दर इसमें तशरीह भी उसकी कर देंगे। लेकिन मेन बात यह है कि शादियों में अगर कहीं 300 लोग होते थे तो हम समझते हैं कि उस हॉल में 100-125 लोग होने चाहिए, और इसी तरह डिपेंड करता है हॉल के साइज पे। और इसकी एक बड़ी पिक्यूलियर हमारी जो माशरे के लिहाज से सूरत हाल है वो ये कि शादियों में लोग बनते संवरते पहुंचते हैं और ख्वातीन, और फिर वहाँ पे मास्क पहनना और अपने आप को छुपाना, इस सारे बनावट और संवरने को, ये एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है। ये बिल्कुल आपने बड़े एक अहम बटन पे अपनी उंगली रख दी। खुसूसी तौर पे शादियों में लोग तैयार हो के आते हैं, बनसंवर के आते हैं, और फिर जब हम उनको ये ताकीद करें कि वो मास्क पहने, तो उसमें मुमकिन है रेजिस्टेंस आए। हमें बहुत अहम है कि ये अपने तमाम आवाम को, अपनी तमाम पॉपुलेशन को ये समझाएँ कि देखिए ये मामला कुछ ऐसा है कि चलें इस सीज़न के लिए अगर हम अपने तौर अतवार इस मामले में कुछ तब्दील कर लें, शायद उससे थोड़ी सादगी भी आ जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होगा। मैं समझता हूँ ये एक कुदरती अमल है कि जब कोई एक तैयारी कर रहा है, उसने अपने आप को अपने बेस्ट पोजीशन में प्रेजेंट किया, तो उसके ऊपर आप मास्क लगा लें। लेकिन इस सारी चीज़ से बहुत ज़्यादा अहम हमारे लोगों की, हमारे करीब अहबाब की, दोस्तों की सेहत और उनकी बेहतरी भी जो है उसको भी हमने जहन में रखा। डॉक्टर साहब, ये मैसेजिंग को बड़ा स्ट्रॉन्गली खुद भी करेंगे, जिंदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगा जो इस वक्त कौमी तस्वीर है हमारी, जो नेशनल पिक्चर है, वो एवरेज हम देखते हैं 500 के करीब हमारे डेली पेशेंट्स आ रहे हैं, जो कि हम कहते हैं कि कोविड पॉजिटिव आए हैं, एवरेज 500 जो है, और वो मेनटेन हो रहा है। 500 वाला जो नंबर है ये मैं कई देख रहा हूँ हफ्तों से, वो मेनटेन हो रहा है, और जो डेथ है हमारी वो अक्सर सिंगल डिजिट में ही रहती हैं। ये एक पिक्चर आपके लिए कैसी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और आई एम श्योर कि ये बहुत ही माइन्यूटली आप लोग सुबह उठ के सबसे पहले इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं, आपकी क्या इस पे व्यूज़ है? कामरान साहब, सुबह उठने के बाद मेरे ख्याल से पहले चंद चीज़ें जो मैं देखता हूँ, और बहुत से हमारे लोग जो इस अमल में शामिल हैं, NCOC के तमाम लीडर्स, बाकी लोग जो इस एफर्ट में शामिल हैं, मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर कोई सुबह उठने के बाद ये जो फिगर्स हैं उस दिन की, उसको हम बहुत ही बारीकी से और गौर से देखते हैं। आपने बिल्कुल बजा कहा, जो एवरेज फिगर तकरीबन इसी 500 की रेंज में चल रही है, कभी कुछ कम भी हुई है, थोड़ी सी इससे हल्की सी ऊपर भी गई है, लेकिन अगर आप औसतन देखें तो यहीं रह रही है। अब यहाँ तक तो बात तसल्ली बख्श है कि कम से कम हमारा वो हाल नहीं जो दीगर बहुत से मुल्कों का, हमारे हमसाए मुल्क में हज़ारों में केसेज़ हैं और काफ़ी टफ हालात उनके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से तो एक यूँ कह लीजिए कि कुछ सेटिस्फैक्शन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दो जो फिगर्स हैं उन पर हमें बहुत डायरेक्ट नज़र रखने की ज़रूरत है। एक जो परसेंटेज पॉजिटिविटी है, उससे खासा अंदाज़ा हो जाता है कि मामला
बेहतरी की तरफ जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो हम कंसिस्टेंटली तकरीबन 2% या ज़रा उससे नीचे के लगभग चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी फिगर है। आपको याद होगा एक स्टेज पे जब 22-23% भी थी आज से जुलाई के महीने में, जून में। तो दूसरी बात यह है कि हम जो टोटल केसेस हैं उनको भी देखते हैं। अब एक मामला ये है कि एक अच्छी चीज़ जो हो रही है वो ये कि टेस्टों की तादाद पिछले चंद दिनों में खासी बढ़ी है, और उसकी मेन वजह यह है जो टेस्ट किए जा रहे हैं, और उसकी मेन वजह यह है कि बहुत सारे टेस्ट जो हैं, ये जो सेंटिनल टेस्टिंग और जो सैंपल टेस्टिंग और स्कूलों के स्टाफ की और उनके उसको माहौल को सेफ बनाने के लिए जो टेस्टिंग की जा रही है उसकी तादाद में इजाफा हुआ है, तो कुछ केसेस थोड़े बहुत वहाँ से भी पकड़े जा रहे हैं। तो उसके बावजूद और डॉक्टर साहब, एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको, उनके लिए मैंडेटरी है वो टेस्ट करा रहे हैं, तो इस तरह से कई सौ लोग तो रोज़ाना इस वजह से भी टेस्ट कराते हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं बजा, बिल्कुल कुछ नंबर्स जो हैं उस डायरेक्शन से भी आ रहे हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी मैंडेटरी है। तो मिलजुल के ये टेस्टों की तादाद थोड़ी बड़ी है इन्हीं वजूहात की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब सारी दुनिया जो वैक्सीन का इंतज़ार कर रही है, और दुनिया में अमेरिका में अपनी वैक्सीन की काम हो रहा है, यूके में काम हो रहा है, चाइना अपनी वैक्सीन पर काम कर रहा है। हमें बताया गया था कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके ट्रायल्स पाकिस्तान में अब शुरू होने वाले हैं, और कब शुरू हो रहे हैं वो डॉक्टर साहब, और उसका क्या स्टेटस है, किस तरह से होंगे, कैसे हम उसको, हमारी ओवरसाइट क्या होगी, क्या हमारी इस कंट्रीब्यूशन की बिना पर हमें उसका क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल सही, ऐसे है कि आज इत्तेफाक से आज ही जो हमारी वैक्सीन की ओवरसाइट कमेटी है उसकी मीटिंग थी, तो मैं कुछ आपको बता सकता हूँ लेटेस्ट। इसमें दो जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं उनके ट्रायल्स हमारे जो है ना, उनका जो अप्रूवल प्रोसेस है वो हो गया है, और अब ये जल्दी अगले चंद दिनों में ये ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। इसकी ओवरसाइट और मॉनिटरिंग बड़े कड़े तरीके से होगी। जो हमारा एक एग्जिस्टिंग तरीक़ाकार मौजूद है हेल्थ रिसर्च के ओवरसाइट के हवाले से, वो इसके ऊपर लागू होता है, और चूंकि ये एक खसूसी किस्म की सिचुएशन है, इसमें मेरे ख्याल से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस और अटेंशन भी रहेगा। मैं समझता हूँ कि इन ट्रायल्स में हिस्सा लेने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब आप किसी की वैक्सीन को ट्राई और इस्तेमाल करें, तो एक आपके पास अपना पाकिस्तानी डेटा भी आना शुरू हो जाएगा, दो हवाले से, वैक्सीन की सेफ्टी यानी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं उसके से, और उसकी एफिकेसी का डेटा भी आपके पास, जैसे जैसे केसेस उसमें एनरोल होते हैं लोग ट्रायल में, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और ये वाजह सी बात है, ये जाहिर सी बात है कि जब आप एक ट्रायल में हिस्सा लेते हैं तो एक आपका हक बन जाता है कि आपको वो, जब वो वैक्सीन एक डिप्लॉयमेंट के लेवल पर आती है तो आप उसमें से ज़्यादा क्लेम आपका बन सकता है। लेकिन हम सिर्फ उस पर भरोसा नहीं कर रहे, एक पूरी कौमी स्ट्रेटजी है वैक्सीन के हवाले से। हमने, हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने एनालाइज़ किया है कि वो कौन सी वैक्सीन्स हैं जो मौसर होने का, जिनका सबसे ज़्यादा चांस है, और उनमें से हम अब उनसे गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं, उन हैंडफुल चंद जो वैक्सीन कैंडिडेट हैं उनकी कंपनीज और उनके सप्लायर्स और उनके ममालिक से, ताकि हम गोया के दुनिया में जहाँ पर भी वैक्सीन के हवाले से काम हो रहा है, हमारी जो 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 ये वैक्सीन आपने कहा कमेटी है, आपने बताया पहली बार हमने सुना, तो ये न सिर्फ ये कि हम चाइना के साथ तो कॉपरेट कर रहे हैं, मगर हमारा दुनिया के सब लोगों से जो है, जो जहाँ पर भी ये हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर हम कॉन्टेक्ट में हैं, और हम भी उस क्यू में हैं कि जैसे ही ये अप्रूव हो तो फिर हम उसको अपने हाल हम इंशाल्लाह डिप्लॉय कर सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए हेल्थ, कोरोना के हवाले से जो इस वक्त कौमी पिक्चर है, तफसील से हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बहुत अहम इजलास था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास जिस अंदाज में, जिस पस मंजर में होते हैं, यकीनन उसकी अहमियत होती है, और कल इस इजलास की कई हवाले से अहमियत थी। इस इजलास के नतीजे में जो पाकिस्तान के सियासी मंजर के हवाले से जो हकीकतें सामने आईं, उसमें पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि पीटीआई के हुक्मरान इत्तेहाद की वाज़ेह तौर पर लगा कि पार्लियामेंट में अक्सरियत मौजूद है, जो कि कल साबित हुई, जबकि मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की अददी अक्सरियत जो थी वो अकलियत में बदलती नज़र आई, जो कि सेनेट में यकीनन एक वाज़ेह अक्सरियत है अपोजिशन की, लेकिन जब मुश्तरका इजलास हुआ तो उसमें हमने देखा कि हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स ज़्यादा रहे। हुकूमत ने FATF की मतलूबा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस दहशतगर्दी कवानीन समेत 8 तरमीमी बिल्स
मेजॉरिटी से मंजूर भी कराए और अपोजिशन के इस दौरान ये बात देखने में आई और ये भी बात बहुत अहम है कि इस दौरान वोट बाकायदा गिने गए। मगर इस पस मंज़र में ये बात बहुत अहम देखने में आई, नोटिस की गई कि अपोजिशन के तकरीबन 36 अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर एक बार फिर इस अहम मौके पर इस पूरी सरगर्मी में शरीक नहीं थे, वो गैर हाजिर थे। बास लोग कहते हैं कि ये एक अजब सा मामला है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन अराकीन की मजमू तादाद 226 है, जिनमें से 190 अराकीन ने मुश्तरक इजलास में शिरकत की, गोया 36 अराकीन अपोजिशन के ऐसे थे जो गैर हाजिर थे। अपोजिशन अराकीन की जानिब से नाजुक मौक़ों पर वफादारी बदलना या गायब होना, इसकी ये पहली बार इसकी शवाहिद नहीं मिले थे या इसका शक जाहिर नहीं किया गया था, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास में यह भी देखा गया कि इसमें अपोजिशन के कई कलीदी रहनुमा शरीक नहीं हुए। मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब नहीं आए कल के इजलास में, खुर्शीद शाह साहब नहीं आए, मखदूम जमीलुज़मा नहीं आए, मीर गुलाम तालपुर, रोशन जनेजो वगैरह नहीं थे, गोया के पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के रियाज पीरजादा, चौधरी तनवीर, बीएनपी के सरबरा अख्तर मैंगल, जेयूआई का ताऊ रहमान, सेनेटर तला महमूद जेयूआई के नहीं थे, पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी नहीं थे। सलीम मांडवी वाला साहब आसिफ जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब बिलावल भुट्टो के बहुत करीब हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें ये कैफियत देखने में आई। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जनाब ख्वाजा साद रफीक भी कल कौमी असम्बली में मौजूद नहीं थे, लेकिन मुश्तरक इजलास में वोटिंग और अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफीक साहब नज़र नहीं आए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार की रुकनियत हल्फ ना उठाने की बाइस वो तो वैसे ही मुअत्तल है, और ये पूरी कैफियत थी जिसमें कल हुक्मरान इत्तेहाद ने यह बड़ी कलीदी कानून साजी की। आज एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के खिताब में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन की पार्लियामेंट में आज़ादाना माहौल में कानून साजी का मौका नहीं मिला, और बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कहा, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के शोबा इंसाफ के नशे व फराज निज़ाम अदल को और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से उन्होंने एक कदर फलसफियाना गुफ्तगू की। अगर मैं कल का नेशनल जॉइंट सेशन का एग्जांपल आप सब के सामने रखूं, हम इस मुल्क के अहम तरीन जब लेजिस्लेशन करने जाते हैं वो हम एक आज़ाद माहौल में नहीं करते। जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है हमारा पार्लियामान को बेअख्तियार करके ज़बरदस्ती से पास करवाए गए हैं। आपको जो मुख्तलाफ राय है, जो दूसरे साइड का राय है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। आप पार्लियामान में खड़े होके एक तो आप बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामान में खड़े होके वो बातें करते हैं जो कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता। पिछले 2-2.5 साल में एक खास एक मुहिम चलाई गई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जोमा के खिलाफ, उससे आज जो सारा का सारा जो मौसम जो है एटमॉस्फेयर वो कितना पोल्यूट हो चुका है। और नैब के हवाले से इस हकूमत ने जो प्रोपेगेंडा किया, मैं बात ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहता कि हम एहतसाब नहीं इंतकाम की चक्की से हम गुजर रहे हैं। अगर इसी तरह वन साइडेड एक एहतसाब के नाम पर इंतकाम की ये जो चक्की जो है जो चलाई जा रही है, इसके बेपनाह पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। कल जो हुआ जिसमें अभी हमने जिक्र किया कि 3 दर्जन अराकीन अपोजिशन के ऐसे थे जो बावजूद इस इजलास में शरीक नहीं हुए, इस पर काफ़ी इस्तराब भी था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक ने कहा कि ऐसे लोगों की न सिर्फ शनाख्त की जाएगी बल्कि आइंदा उनको पार्टी का टिकट भी नहीं दिया जाएगा और पार्लियामेंट में आने का रास्ता रोकने के इकदाम किए जाएंगे। काफ़ी बरहम थे अयाज सादिक साहब। ये सीक्रेट बैलेट नहीं था, इस दफा हमने पहले से अपने स्टाफ से कहा था कि लिस्ट में बनाओ कौन सा मेंबर नहीं आया, जो नहीं आया वो पार्टी के टिकट के लिए एलिजिबल किसी सूरत में नहीं होंगे, पार्टी डिसाइड करेगी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है और हम उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे। अगर हम नहीं ठहराएंगे तो हम डिससर्विस करेंगे टू डेमोक्रेसी, हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। यही कैफियत थी पिछले साल 1 अगस्त को, बहुत ही प्रोमिनेंट बात थी जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला के अपोजिशन जमातें पीटीआई को नंबर गेम में बर्थडे का पैगाम देना चाहती थी। ये बहुत डिसाइसिव मूव होती, लेकिन ऐसा गेम चेंज हुआ कि अपोजिशन को सरप्राइज मिल गया, यानी कि
اپوزیشن کے نمبرز کم ہو گئے اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے 14 ضمیر فروش سینیٹرز کو تلاش کر کے سبق سکھانے کا عزم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 14 اپوزیشن کے سینیٹرز جو تھے انہوں نے وفاداریاں تبدیل کر لی یا اپنی وفاداریاں بیچ دی۔ دعویٰ ضرور کیا تھا بلاول بھٹو زرداری اور جناب شہباز شریف نے کہ ان کو پہچانا جائے گا، ان کے نام قوم کے سامنے لائے جائیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ رات گئی بات گئی اور اب ایک نیا صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ آج ابھی آپ نے سنا کہ جناب ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ایسے لوگوں کی یعنی کہ کالی بھیڑوں کی شناخت کی جائے گی۔ یہ وہی کالی بھیڑے ہیں جنہوں نے کہ اپوزیشن کو دغا دیا تھا یا تحریک انصاف کی حکومت کو اور حکومت کو فائدہ پہنچایا تھا چیئرمین سینٹ کے تحریک اعتماد کے موضوع پر۔ اس موقع پر بھی عہد و پیمان تو بہت کیے تھے شہباز صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے۔ چونسٹھ ممبرز کھڑے ہوتے ہیں، جب خفیہ بیلٹ ہوتا ہے 14 ووٹ کھسک جاتے ہیں۔ یہ 14 ووٹ جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز خود ایک ٹائم فریم کے تحت ان کی نشاندہی کر کے پوری قوم کو بتائیں گے کہ 14 لوگ کون تھے۔ ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آیا، کہ کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا۔ چھوٹا سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چڑا گونپا ہے، جو برے کے پیٹ میں چڑا اب ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پورے ماحول پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت مؤثر اور بہت ہی استقامت والے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی، کل بہت ہی متحرک تھے، جناب رانا ثناء اللہ خان ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بآسانی پی ٹی آئی کے لیے، حکومت کے لیے بڑا سبکی کا سامان ہو جاتا اگر یہ جو ممبرز آپ کے نہیں آئے، یہ سب وہاں حاضر ہوتے اور کل وہ ووٹ میں شریک ہوتے تو ایک بار پھر یہ بہت ہی مشکل کیفیت ہو جاتی عمران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، اور پھر یہ جو 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 کل قانون سازی ہوئی یہ بھی نہ ہو پاتی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ دیکھیں خان صاحب، جو بات آپ کر رہے تھے جو میں نے سنی ہے، تو اس کے جواب میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ضمیر کے خریدار موجود رہیں گے اور ان کے پاس اختیارات جو ہے وہ ان لمیٹڈ رہیں گے، تو پھر کمزور لوگ جو ہیں وہ شاید ضمیر بیچنے پہ مجبور ہوتے رہیں، اور ان میں سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ نیب کا ہے۔ نیب کی مخالفت جو ہے وہ کوئی کرپشن یا جو بیانیہ گورنمنٹ کا ہے کہ یہ جو ہر وقت راگ الاپتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نیب ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو لوگوں کو ضمیر بیچنے، اپنی پارٹیوں سے وفاداری تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیں آپ کل کے اوپر، کل دیکھیں اس میں میں اپنی پارٹی کے متعلق اور خاص طور پہ قومی اسمبلی کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 5 ممبر جو تھے وہ ووٹ نہیں ڈال سکے، ان میں سے 3 ممبر جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے، لیکن ان کے آنے سے پہلے ووٹ ہو چکا تھا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ جب بل پیش ہوں گے ان کو اپوزیشن اپوز کرے گی، ان کے اوپر جنرل ڈسکشن ہوگی اور کم از کم تمام پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ بات کریں گے، اور یہ کم از کم کوئی اگر آدھا آدھا گھنٹہ بھی بولیں تو یہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہوگی۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ ووٹنگ کا مرحلہ جو ہے وہ ٹھیک 10 منٹ بعد جو ہے وہ شروع بھی کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ ختم ہوا اور جو کاؤنٹ انہوں نے کیا، اس کاؤنٹ کے اوپر بھی ہماری سیریس ریزرویشن ہے۔ ان کے جو مشیر تھے جو ووٹ کا حق نہیں رکھتے، ان کو کاؤنٹ کیا گیا، اپنا جو بابر صاحب ہیں یا جو ان کے مشیر ہیں بابر اوان صاحب، وہ کھڑے تھے ساتھ، شہزاد اکبر صاحب کھڑے تھے ساتھ، باقی کہا جا رہا ہے کہ یہ 7 لوگ اس طرح سے کاؤنٹ ہوئے ہیں۔ تو 2 لوگ جو ہیں وہ ہمارے باوجود، یہ فرمائیے ایک ہمارے ممبر جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور ایک بیرون ملک ہیں۔ چیئرمین سینٹ کیا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پہ جو ایکسپیرینس ہوا تھا اور اس پہ عہد بھی ہوا تھا، شہباز صاحب نے بھی کیا تھا، بلاول صاحب نے بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کو ہم لوگوں کے سامنے ان کے نام کو وہ کریں گے تاکہ اس لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں، تو وہ عمل نہیں ہوا۔ اور پھر اب کل بڑا یہ نازک مرحلہ تھا، تو یہ تو پھر آپ کو انشور کرنا تھا کہ کوئی اگر وہاں ہے تو وہ ایک گھنٹے دیر سے نہ آئے، وہ وقت پر آئے اور جس وقت اجلاس شروع ہو رہا ہے وہ وہاں پہ موجود ہو۔
तो ये फिर आपके लिहाज से मैनेज नहीं हुए ना आपके मेंबर्स, आपके भी और पीपल्स पार्टी के भी? जी 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 खान साहब, मैं कौमी असम्बली के हमारे जो 5 मेंबर कल वोट नहीं कास्ट कर सके उनमें से एक अफजल खोकर साहब जो हैं वो कैंसर पेशेंट हैं और इस वक्त वो अपने इलाज की वजह से वहाँ पे नहीं पहुँच सके, उनकी सेहत का मसला बिल्कुल जेन्युइन है। एक एहसानुल हक बाजवा दुबई में है, उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे मुकदमा दर्ज हैं, नैब इंक्वायरी कर रही है, वो जब अगर आए तो वो समझते हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और 3 मेंबर जो हैं वो लेट पहुँचे। बाकी इसके अलावा हमारी तमाम जो है वो मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे और हम इस बात के ऊपर सेटिस्फाइड हैं कि हमारा कोई भी मेंबर जो है वो कल विलफुली उसने जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया। आप देखें कि रात 10 बजे, यानी देखें ये चीज़ें हुकूमत के बस में और हुकूमत ने किस तरह से जो है इस चीज़ को जो है वो पार्लियामेंट को, यानी इसका कुछ 2 दिन पहले 3 दिन पहले रात 10 बजे इन्होंने ऐलान किया कि जी सुबह जो है वो पार्लियामेंट का जो है वो अजलास होगा, जॉइंट सेशन होगा। इसमें ज़्यादातर जो छोटी जमातें हैं हमारी, NP है, अपना मैंगल साहब की पार्टी है, उसके अलावा पख्तूनख्वा मिली पार्टी जिनके 1-1, 2-2, 3-3 वोट हैं, वो बलूचिस्तान से, यानी जो दूर दराज के लोग थे वो नहीं आ सके। उनमें से ज़्यादातर की जो है वो रीज़न जेन्युइन है, लेकिन अगर उसमें से किसी को नैब का नोटिस आया हुआ है या किसी को आने की जो है वो फिक्र है तो उसमें हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो इन चीज में भी जो है वो इन्वॉल्व हो या अंडर थ्रेट जो तकलीफ दे सूरत हाल नैब के हवाले से ये वो, तो जो मामला आपके साथ गुजरे हैं या जिनको आप फेस कर रहे हैं तो आप भी तो बहरहाल एक कॉस्ट पे कर रहे हैं ना। और अगर आपके साथ ही आप कहते हैं किसी को नैब की नोटिस है या किसी की इंक्वायरी है तो उसमें जो है वो उसमें आपको वो इससे मामले से अलग हो गया तो वो इसका एक्सक्यूज तो नहीं है ना। मेरे ऊपर जो है, मेरे ऊपर जो है वो 15 किलो हीरोइन इन्होंने नहीं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हम यहाँ बहुत उसका जिक्र करते रहे। मैं तो कह रहा हूँ जितनी तकलीफ से आप गुजरे हैं या जो आप पे मसाइल हैं वो दूसरों पे नहीं है, मगर आप भी तो खड़े हैं ना। मुझे ये बताएं कि कितने लोग जो हैं ये कास्ट पे कर सकते हैं, और क्या इस मुल्क में अपनी पार्टी से वफादारी करना, असूलों की सियासत करना, लोटा ना बनना, उसकी ये इतनी बड़ी कास्ट है? अब इतनी बड़ी कास्ट के ऊपर अगर आप समझते हैं कि लोगों को जो है वो स्टैंड करना चाहिए तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि फिर बहुत ज़्यादा लोग कर सकेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो इसमें कमज़ोर भी पड़ जाएं, तो लेकिन बात यह है कि इतनी बड़ी कास्ट का तकाजा क्यों किया जाए। लेकिन खान साहब फिर क्या होगा? अब मिसाल के तौर पे 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे पहले भी कई बार इस तरह का अपोजिशन जमातों का इज्तिमा होता रहा है, फिर उससे तवक्कात होती हैं, फिर उसमें ऐलानात होते हैं और फिर उसके उससे जो एक माहौल जो है वो बनता है। अब क्या होने वाला है 20 सितंबर को आपके ख्याल में? नहीं देखें, अब देखें खान साहब, ये जो इस किस्म का जुल्म है, जो इस किस्म का जबर है, जो इस किस्म का यानी दबाव है, और जो अब इस वक्त जो है वो मीडिया के साथ हो रहा है, जो इस वक्त दूसरे जो यानी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनके साथ हो रहा है, जो आज इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का बिल हमारी अमेंडमेंट के बग़ैर पास किया है, अब जो कारोबारी लोगों के साथ होगा, तो उसके बाद फिर लोग फट पड़ेंगे, फिर ये जुल्म जो है ये कितनी देर जो है वो चल सकेगा? ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये कोई 2-2.5 मिलियन का मुल्क तो नहीं है कि इस तरह से इसके ऊपर आप जुल्म करते रहेंगे और लोग जो हैं वो जुल्म इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद वो माहौल जिसका जिक्र कर रहे थे जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब, जिस वो कहते हैं कि अपोजिशन शदीद दबाव में है, इस पूरे माहौल पर हम हुकूमती मौकफ हासिल करेंगे। जनाब शेख रशीद अहमद हमारे साथ होंगे छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हम तफसील से जिक्र कर रहे थे वो सियासी पेशरफ जो कल हुई, जब धुआंधार इजलास हुआ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, और इस दौरान हुकूमत की सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलूबा कानून साजी थी वो भी मुकम्मल हो गई। ना सिर्फ ये कि FATF के हवाले से जो ज़रूरी कानून साजी होनी थी वो भी कल मुकम्मल हुई, हुकूमत के जो इस हवाले से कानून साजी के हवाले से हालिया दिनों के जो अहदाफ थे वो पूरे हुए, और इसी दौरान ये बात भी साबित हो गई कि हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लियामेंट में मुसलमा अक्सरियत है। यकीनन ये एक सुबकी का सामान था हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ के लिए, और जैसा कि हमने प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया
कि उसके दर्जनों अराकीन जो थे वो इस मौके पर गैर हाजिर रहे। एक बार फिर पुरसरार गैर हाजिरी पर हमारी बात हुई। आज इस सिलसिले में एक बार फिर हिजब इख्तलाफ की जो जमातें हैं, कलीदी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक नई काविश करती नज़र आई। गो कि इससे पहले कई साल, कई दहाइयों में हमने ये कई बार इससे भी ज़्यादा ठोस काविशें देखी हैं कि आवाम को तासुर दिया जाए कि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आज इस सिलसिले में एक नया बड़ा दिलचस्प एंगल सामने आया जब जनाब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान बार काउंसिल के APC के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की, ख़ासतौर पर बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी लीडरशिप की शहादतों की तारीफ़ की और उसको खिराज तहसीन पेश किया। ये बड़ा दिलचस्प माहौल था पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब ने कुर्बानियों के लिहाज से जो बातें फरमाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके ख़ानदान ने यकीनन जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं जो कुर्बानी की इंतहा होती है, और पूरी कौम इस बात की मोतरफ है कि इस बाग में इनके ख़ानदान के जोमा का खून शामिल है जिसका इस मुल्क की तारीख में हमेशा जिक्र रहेगा और याद किया जाता रहेगा। चले, सियासी पोजीशन बदलती रहती है, चले नज़रिया बदल गया, ये हमेशा की सोच जो है वो बदल गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की, जनाब शहबाज शरीफ की। लेकिन इस बात से पहले ये बात ज़रूरी होनी चाहिए थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, पाकिस्तान के आवाम से माफ़ी मांगते उस पोजीशन के हवाले से, उस नज़रिए के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से उनकी पार्टी का रहा है और जनाब नवाज शरीफ का रहा है। बारहा वो इसका इजहार भी करते रहे हैं। यकीनी तौर पे आज ये नज़रिया बदला, आज शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। लेकिन कैसे मुमकिन था कि उस चीज़ पर माफ़ी या माजरत नहीं मानी गई या ऐलानिया नहीं कहा गया कि वो हमने गलत किया था और इस पर हम माफ़ी मांगते हैं। शहबाज शरीफ साहब को याद हो कर ना याद हो, लेकिन हमें जनाब नवाज शरीफ का इस पहलू के हवाले से नज़रिया और उनकी सोच बहुत अच्छी तरह से याद है और यकीनन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए वो दिलखराश सोच थी। वो नकली शहीद जो लाड़काना में है, जिसने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया अपने इख्तदार पर, जिसको बेनज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कहती है, ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हुए, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बिठा दिया है। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। ये पाकिस्तान का सौदा करना चाहते हैं, लानत है इनके ऊपर, खुदा की लानत है और ये अल्लाह ताला के कहर की सबसे बड़ी निशानी है। जैसे भी हो, कल हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग और इस्ताद दहशतगर्दी कवानीन में तरामीम पर सरेंडर नहीं किया। FATF की मतलूबा कानून साजी करके अपोजिशन की जो बारगेनिंग की पोजीशन थी उसको भी ख़त्म किया। पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद अपने अपने हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब है, जबकि मार्च में सेनेट की 50 से ज्यादा नशस्तों पर इलेक्शन के बाद हुकूमत की पार्लिमानी पोजीशन मजीद मुस्तहकम और इत्मीनान बख्श हो जाएगी। गोया कि ये जो मुश्किल वक्त था वो पार्लिमान के पार्लिमानी जमहूरियत के लिहाज से और पार्लियामेंट में कानून साजी के हवाले से और जो पिछले 2 साल का अमल था वो फ़िलहाल तकमील हो गया है और ख्याल यही है कि अब इस पूरी कैफियत के बाद जो एहतसाब का अमल जारी है उसमें 2 तरफ़ा एहतसाब और बहुत ही बेरहम एहतसाब जो जिसका किनारा लिया जाता है उसकी कैफियत हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। पाकिस्तान का अब आज के बाद से अगले इलेक्शन तक का जो सियासी पस मंज़र होगा, सियासी मंजर होगा, उस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही कोहना मश्क सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड जो मखलूत हुकूमत है उसमें काबीना के वज़ीर जनाब शेख रशीद अहमद, वज़ीर रेलवे हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। कल का माहौल बड़ा दिलचस्प था, बिल आखिर हुकूमत की जो कानून साजी के हवाले से बड़े अहम संगे मील थे वो अब उबूर हो गए हैं। क्या सही है कि अब से लेके मार्च तक जबकि सेनेट में फिर कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी हुक्मरान इत्तेहाद की, सूरत हाल काबू में, अब हुकूमत को कानून साजी के हवाले से शायद बहुत ज़्यादा अपोजिशन की ज़रूरत ना पड़े या एक कलीदी कानून साजी के संगे मील बाकी नहीं है फ़िलहाल अगले 5-6 महीने में?
आपने सारी बातें दुरुस्त कही हैं। कल जब आदमी असम्बली में दाखिल होता है तो उसकी हाज़िरी लगती है, कल इनकी 34 हाज़िरियाँ कम थी। कोई बुखार था, कोई मुल्क से बाहर था, कोई पहुंच नहीं सका, किसी को रात देर गए इतला हुई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कोई नोटिस लिया इन 34 आदमियों का? और ये आखिरी दिन था कल का दिन, अब इनकी खैर नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल की रात को NRO कौमी असम्बली में दफन हो गया। आखिरी टाइम पर भी इन्होंने कोशिश की कि मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दें, और सारी शिकें 34 शिकों में ये तरमीम चाहते थे। शायद खाकान ने तरमीमें दी, बोल वही सकता है जिसने तरमीम दाखिल की हो। शायद खाकान अब्बासी ने तरमीम दाखिल की, लेकिन आए शाएँ टाएँ करता रहा वहाँ पर। शहबाज शरीफ ने क्या किया कल? ये सारी दो नंबर की गेम है, ये सारा सेट पैटर्न था, मास्टर जो था, प्लान था, उसके मुताबिक ये गए। तो शेख साहब, ये जो केसेस हैं इसमें कितनी अहमियत है कि अब ये जो नया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल मंजूर हुआ है, जिसमें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इख्तियारात हासिल हुए हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, NAB वगैरह को, और जो केसेस हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, वो तो जो दर्जनों 44 जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हैं। फिर शहबाज शरीफ के हवाले से भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है। तो ये जो नया कानून पास हुआ है, इसके आप एप्लीकेशन देखेंगे आइंदा चंद महीनों में, चंद हफ्तों में? शहबाज शरीफ साहब भी जेल होंगे, ये नाहल होंगे, इनका केस सबसे सीरियस है और सारी मनी लॉन्ड्रिंग की शहादतें मौजूद हैं। और ये जो तमाशा कर रहे हैं कि शहदा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं चढ़ जा पुत्र सूली, राम भला करेगा। और बाबा, शहादतों को सलाम करने की बजाय कल उनका साथ देते आप। कल नून लीग की बजाय पीपल्स पार्टी एक्टिव थी, वो डाइस पर एक दो मरतबा गई, लेकिन नून लीग की तरफ से कोई बंदा एक्टिव नहीं था, सबको सांप सूंघा हुआ था और सब ने ज़हनी तौर पर इस बात को तस्लीम किया हुआ था। उनको पता था कि हमारी वोटें कम हैं, दो दफ़ा वो आए कि शायद हमारा कोरम पूरा ना हो बाद में, लेकिन उनको शिकस्त हुई क्योंकि इमरान खान खुद बैठे हुए थे और कल इमरान खान की तकरीर भी एक तारीखी तकरीर थी। और अब ये जो बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात थी, ये जून 2018 में जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, अब वाइट लिस्ट के लिए कल हमने जो तरमीम की हैं। और ये FATF की डिमांड है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के शिकंजे में लाया जा रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को दुबोचा जाने वाला है, जो मनी लॉन्डर को उनकी असल जगह पर पहुंचाने की तरीका है, ये यकीनन इसकी वजह से आप देख रहे हैं ऑपोजिशन बहुत गुस्से में है। आज बिलावल भुट्टो ने खास तौर पर अपने खानदान की शहादतों का जिक्र किया, जिसमें कि उन्होंने बहुत तफसील से मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो को भी शामिल किया, और रियासत को उन्होंने कहा कि एक एक करके हमें कत्ल किया जाता है। मैं आपको सुना रहा हूं ताकि फिर मैं आपका तबसरा हासिल कर सकूं। हम शोदा के जमात से याद किया जाता है, मेरे खानदान को शहीद किया है, रियासत ने एक एक करके शहीद किया है, मेरा नाना को फांसी पे चढ़ाया गया है, मीर मुर्तजा भुट्टो साहब को मेरे वालदा के हकूमत के दौरान कराची के सड़कों पे कत्ल किया गया, शाहनवाज भुट्टो साहब को उम्र 27 का था, जहर पिला के शहीद किया गया है, शहीद मोहतरमा बेनजी भुट्टो आप सब जानते हो, बम धमाके में रावलपिंडी के सड़कों पे शहीद किया गया है। लेकिन हम फखर के साथ कह सकते हैं कि हम आज आपके दरमियान हैं। आज शहादतों को फिर याद किया बिलावल साहब ने, शेख साहब देखें, मुर्तजा भुट्टो को भी उन्होंने ये कहा कि उन्हें मारा गया, सर शाह नवाज को भी ये कहा, इन्होंने उस चारपाई के नीचे लाठी नहीं फेरी कि किसने मारा, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, किन्होंने मूछें साफ की, किन्होंने मूछें रखी। और उस वक्त के जो सारे हालात हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से 200 गज के फासले पर 2 घंटे लाश पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था, और हुकूमत किन की थी? पीपल्स पार्टी की थी। ये शहीदों की नाम से लोगों को अट्रैक्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, आप 20 तारीख को देख लें, ये 20 तारीख को 3 दिन रह गए हैं, ये सिर्फ जलसा और जुलूसों की बात करेंगे। जिस असम्बली से फजल रहमान ने सदारत का वोट मांगा है, किस मुँह से वो उस असम्बली को कह रहा है कि ये नाजायज़ है, ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है? इसी असम्बली में वो उम्मीदवार थे, इसी असम्बली में उनका बेटा बैठा हुआ है, और उसी असम्बली के लिए वो जो बातें कर रहे हैं। ये परसों आप देख लेंगे, नून और पीपल्स पार्टी जो है
किसी कीमत पर भी ना धरना देगी ना असम्बलियाँ छोड़ेगी। हाँ, जलसे और जुलूस करेंगे, तहरीक चलाएंगे। असल ख़तरा पाकिस्तान को सेक्टेरियन इश्यूज़ का है। पाकिस्तान में इंडियन साजिश पनप रही है, पाकिस्तान में शिया और सुन्नी उलमा को शहीद करने की इंडियन साजिश पकड़ी गई है, और उसमें ये कोशिश की गई थी कि यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के शिया और सुन्नी उलमा को शहीद किया जाए। ये सारी बातें इंडियन लॉन्च कर रहा है कि पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुँचे, और पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो घेरा तंग किया जा रहा है सी पैक की वजह से, उसमें सियासतदानों को सोचना चाहिए। ये किसी की ज़ात की जंग नहीं है। FATF जो है वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की इकॉनमी की जंग है, जिसमें इमरान खान की जात का मसला नहीं, पाकिस्तान है के बच्चों का सवाल। आज बिलावल साहब ने तो शहीदों का जिक्र किया, शहबाज शरीफ, और इससे पहले हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो जो शिकायात हैं, जो उनके तहफ़ुज़ात हैं, जो उनकी तनकीद है, वो अदलिया की जानिब उसका रुख बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पर आज पाकिस्तान बार काउंसिल में अदलिया के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपने जज्बात का, ख्यालात का, तहफ़ुज़ात का इजहार किया। मैं आपको सुना देता हूँ। अदलिया बहाल हुई, उसके क्या हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये नतीजे निकलेंगे, इट इज एनीबडीज गेस। मगर आज उसके बाद हालात फिर दोबारा यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं, हालात फिर दोबारा नेगेटिव टर्न लिया है। और आज मैं समझता हूँ कि जो जुडिशरी में जो जिनका ज़मीर जिंदा है, जो बड़े काबिल लोग हैं, अमानतदार हैं और उनको कोई कमी नहीं है, वो तमाम दबाव और बर्दाश्त के बावजूद भी वो इंसाफ पर मबनी फैसले देते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अरशद मलिक का नाम लिया, इस तरह के भी जो ब्लैक शीप हैं जिससे कि इंसाफ और अदल को मैं समझता हूँ कि इरेपरेबल नुकसान पहुँच रहा है। शेख साहब, अदालतों में काली भीड़े हैं जो इंसाफ को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। शहबाज शरीफ, कायद हिजब इख्तलाफ। मीठा मीठा हप और कौड़ा कौड़ा थू। जब इनकी जमानत लें और ये कहें कि अगर इसको कुछ हो गया तो हुकूमत जिम्मेदार होगी, अगर ये मर गया तो हुकूमत पर मुकदमा होगा, और इनको बाहर जाने की इजाजत दें, ये तो मीठा मीठा हप है। जब इनकी जमानत जब्त हो और इनको सरेंडर करने का हुक्म दिया जाए और ये कहा जाए कि उनकी अपील नहीं सुनी जा सकती जब तक वो खुद सरेंडर नहीं होंगे, और शहबाज शरीफ को भी पता शायद उनकी जमानत भी सवालिया निशान है, इस कानून के बाद शहबाज शरीफ की जमानत भी कानूनी तरीके से एक सवालिया निशान है। और शहबाज शरीफ का, मैं शहबाज शरीफ को नाहल होता भी और जेल जाता भी देख रहा हूँ, क्योंकि उनका केस पाकिस्तान में नैप में सबसे मजबूत केस है। और ये 20 तारीख को आप देखें क्या करेंगे, आप देख लेंगे। ये सिर्फ तमाशा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, पाकिस्तान शदीद मसाइल में घिरा हुआ है, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का आइंदा आने वाले दिनों में सेक्टेरियन इशू है, जिसे गैर मुल्की सपोर्ट हासिल है, जो गैर मुल्की ताकतें इस मुल्क में बदमनी फैलाना चाहती है, उसका किला कम ना है। इस इशू को आपने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट है, जो सबसे बड़ा खतरा है, और आप हुकूमत के एक जिम्मेदार हैं, काबीना के वजीर हैं, तो हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? हुकूमत सारे उलमा से, कुछ हमसे गलतियाँ भी हुई हैं, हुकूमत एक उलमा के हर दो तीनों ग्रुपों के साथ रबते में है, और वो कोशिश में है कि इसका कोई आसान हल निकले और इसमें जो तलखी और तुरशी और गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं ये दूर हों, इसकी भरपूर कोशिश कर रही है, और हुकूमत इंशाल्लाह इसमें भी कामयाब होगी। आज भी इस्लामाबाद में एक दो फ़िरका वाराना वाक़ात हुए हैं हलाकतों के। शेख साहब, वाकई लगता यह है कि हालात जो हैं वो इस सिलसिले में एक बड़ा नेगेटिव टर्न ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव टर्न ले रहे हैं, और एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि सारी पार्टियां, अपोजिशन और हुकूमत को एक सर जोड़कर बैठना पड़े, क्योंकि मैं इलाकों में पिंडी के गिरदोनवा में तशद्दुद को उभरते हुए देख रहा हूं और तशद्दुद की चिंगारी को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, और ये मुमकिन है कि इनकी APC वगैरह धरी रह जाए और एक नया मसला इस मुल्क में पैदा हो जाए, जिसको रोकने की तमाम सियासी लीडरों को और हुकूमत को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख रशीद अहमद, हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वज़ीर रेलवे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है, जो कि इसका बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में बहुत चर्चा है, बहुत ही पुरकशिश है, रोशन डिजिटल अकाउंट्स की प्रोडक्ट जारी की गई है। अब उसके साथ ही पाकिस्तानियों के लिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट दिया गया है,
मगरिब में इस वक्त मुनाफे की शरह 0 से लेकर 2% तक है, जिसमें 7% तक मुनाफा डॉलर में पाकिस्तान की हुकूमत ऑफर कर रही है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है सारी, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त। मालिक में तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी मुकीम है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम असासा हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह मुख्तलिफ वजूहात में एक वजह यह है कि ये पाकिस्तान में ज़र मुबादला का एक सबसे बड़ा ज़रिया है। पिछले महीने समंदर पर पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 2,095 मिलियन डॉलर्स की तस्वीरात पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल के मुकाबले में 24.4% ज़्यादा थी, जो एक कौमी रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से कि इतनी इजाफा यकमुश्त एकदम इतना एक साथ देखने में नहीं आया था। अब हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम लाई है और इसके लिए न सिर्फ ये कि एक बहुत ही जदीद रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट मुतारिफ कराया गया है। रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट जो है ये अपनी नौइयत का एक नई पेशकश है और इसके साथ ही पाकिस्तानियों के लिए डॉलर की शरह में इंतहाई पुरकशिश, बल्कि आजकल के माहौल में बाज़ लोग कहते हैं कि नाकाबले यकीन मुनाफे पर सरमायाकारी की पैकेजेस अनाउंस किए हैं। इसी हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा किया है और इस हवाले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में इत्तला के मुताबिक जो अब फीडबैक आ रहा है, क्योंकि अभी ये मामलात ये खबरें जो हैं वहाँ पहुँची हैं, एक भरपूर जोश व खरोश देखने में आ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी पर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को 3 से 5 साल तक के सर्टिफिकेट पर 5.5% से 7% तक डॉलर में भी मुनाफा मिलेगा। इसमें अहम बात यह है कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने के बैरून मुल्क अपने गैर मुल्की करेंसी में असासे जाहिर किए थे एमनेस्टी स्कीम में, वो भी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीद सकेंगे। गोया ये स्कीम नॉन रेजिडेंट्स और रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए भी, उन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए जो कि बैरून मुल्क जिनके बैंक अकाउंट्स हैं और जो उन्होंने अपने जब उन्होंने यहाँ पर एमनेस्टी डिक्लेयर की थी उसमें बाकायदा डिक्लेयर किए थे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए खरीद सकेंगे और रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोलने के लिए नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानियों को किसी बैंक, सफारतखाने या कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के जरिए 48 घंटों में डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा और फिर जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके बाहर अकाउंट्स हैं वो मुतल्लिका बैंक की ब्रांच में जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स डॉलर, पाउंड, यूरो और रुपयों में ट्रांजेक्शन के लिए है। ट्रांजेक्शन की रकम पर किसी किस्म की कोई टैक्स नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा डॉलर में और उस पर कोई टैक्स भी नहीं है। सेविंग अकाउंट्स में लाइबोर प्लस 3 से 4% रेट मिलेगा, जबकि इस अकाउंट के जरिए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज़ और रियल एस्टेट में भी सरमायाकारी कर सकेंगे। यकीनन सरमायाकारी और माशी इस्तेहकाम के लिए स्टेट बैंक जो है वो इस सिलसिले में बड़ा काम कर रहा है, शबाना रोज़ काम हो रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 13.5% से कम होकर 7% आ जाने से वैसे भी कारोबारी सूरत हाल जो है वो मज़ीद काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। ये नई पेशकश और यकीनन इसके हवाले से जो एक्साइटमेंट पाकिस्तान के बाहर मौजूद है, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अरशद महमूद भट्टी, जो डायरेक्टर हैं एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जो इसकी मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने बताई है। क्या आपको इनिशियल जो बिल्कुल अभी अर्ली डेज का फीडबैक है, कुछ इनिशियल कोई इंडिकेशंस मिली हैं कैसे रिसीव किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने इस प्रोग्राम पे लिया हमें। देखिए, ये जो एक इनिशिएटिव स्टेट बैंक ने लिया है रोशन डिजिटल अकाउंट का, जैसे आपने ख़ुद बयान किया कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ने का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत हमारे बैरून मुल्क मुकीम भाई और बहनें जो हैं वो पाकिस्तानी के बैंकिंग सिस्टम के साथ अपनी सारी बैंकिंग की ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे मज़ीद करेंगे, और इसके साथ साथ उन्हें इन्वेस्टमेंट के भी कसीर मौके फराहम किए गए हैं। जो आपने अभी बात की कि अब क्या रिस्पांस आ रहा है, तो इनिशियल डेज़ में तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस नज़र आ रहा है। मैं अगर आपसे शेयर करना चाहूं तो आप इजाज़त दें, तो जो अभी तक हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उसमें तकरीबन कोई 5,000 के लगभग अकाउंट्स खुल चुके हैं अभी ये 4-5 दिनों में जो हमारे पास अभी नंबर्स आ रहे हैं और हमारा रब्ता मुसलसल। ज़ाहिर है कि इसमें इसी किस्म का रिस्पॉन्स जो अभी आपने बताया आएगा, क्योंकि जो रेट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफ़र कर रहे, रिटर्न्स जो ऑफ़र कर रहा है ये उस ज़माने में कर रहा है
जैसे आपके इल्म में कल फेड्स ने दोबारा कहा कि जी के पता नहीं हम मजीद कई साल तक तो हमारा 0% इंटरेस्ट रेट रहेगा। यूरोप में दूसरी जगहों पे कहीं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, कहीं 0, कहीं 1, कहीं 1.5, कहीं 2। तो उस माहौल में कोई ऐसी स्कीम आना जिसमें कि हमारे पाकिस्तानियों को ये अवेलेबल होगा कि वो लॉन्ग टर्म 7% तक के रिटर्न्स ले सकें। बटे साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि जो मैंने फीडबैक लिया उन्होंने कहा कि जी आपने इतना ज़्यादा क्यों हमें ऑफ़र किया है। जो वहाँ के जो मैंने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से बात की, उन्होंने कहा जी 3-4 पे भी बड़ा रिस्पांस आपको मिल जाता है, ये आप तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं। इसको बड़ा आप लोगों ने आई एम श्योर कि स्टडी किया होगा, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कीजिए भट्टी साहब। जी कामरान भाई, इसमें 2-3 पहलू हैं। देखिए, एक चीज़ ये देखें कि हर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर उसका रेट ऑफ़ रिटर्न दिया जाता है। पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो यूनाइटेड स्टेट्स से डिफरेंट है या यूके से डिफरेंट है, तो एक तो ये पहलू है। दूसरा, इसका बेंचमार्किंग हम कैसे कर सकते हैं। हमारे इस वक्त यूरो बॉन्ड्स जो डॉलर में डिनोमिनेटेड है वो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहे हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टर को जो यील्ड मिलती है, जो रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न भी इसके लगभग है और वो रिटर्न माजी में इससे ज़्यादा भी रहा है। तो हमें ये सारे एस्पेक्ट देखते हुए हमें ऐसी चीज़ लानी थी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कंपेरेबल इन्वेस्टमेंट से उन्हें थोड़ा सा इतना बेहतर मौका मिले कि एक तो हमारे ऊपर ट्रस्ट शो कर रहे हैं, दूसरा उन्हें चूंकि ये सारे रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए, सारे नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, तो हमारे चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहनें वहाँ बैठे हैं और वो अपना सरमाया इस मुल्क के लिए देंगे, तो हमें उसे थोड़ा सा वो जो सॉर्ट ऑफ प्रीमियम है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, बट जो प्रीमियम है वो हमने बेंचमार्किंग जो किया है वो अपने ऑलरेडी जो हमारे यूरो बॉन्ड्स हैं उसके साथ बेंचमार्किंग करके ये रेट्स पे डिसाइड किए गए। तो बटी साहब ये भी फरमाइएगा कि इसके साथ फिर आप रोशन पाकिस्तान अकाउंट भी ऑफर कर रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के 8 बैंक जो है इनका एक मिलाप है ये जो आपका पोर्टल है, तो ये जो अकाउंट है ये भी एक यूनिक चीज़ है ना, ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि है, मगर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इसमें बहुत ही कई खसूसियात हैं बड़ी, जो कि शायद बहुत ही अट्रैक्टिव है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। जी बिल्कुल, अगर आप इजाज़त दें मैं इसकी थोड़ी सी खसूसियात बयान कर देता हूँ। देखिए, ये वो चीज़ है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ बैठ के अपनी सारी अकाउंटिंग की ज़रूरियात, अकाउंट्स की और बैंकिंग की ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे, वहाँ से सरमाया भेजें, यहाँ अपने वालदैन की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की एजुकेशन की, हेल्थ की ज़रूरतें पूरी करें, और उसके अलावा अगर उन इन फंड्स को अपने वहाँ जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ अगर उन्हें ज़रूरत है तो वहाँ भी वापस ले जा सकते हैं, वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमने जो 2 वेरिएंट्स दिए हैं, फॉरेन करेंसी भी है और लोकल करेंसी भी है, PKR भी है और फॉरेन करेंसी भी है, और फॉरेन करेंसी में सिर्फ डॉलर तक महदूद नहीं है, ये मुख्तलिफ करेंसीज़ में बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, तो आप डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और इवन इसमें UAE दिरहम और सऊदी रियाल भी शामिल हैं, तो किसी भी करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बॉन्ड्स में, जैसे आपने फरमाया नया जो बॉन्ड्स लॉन्च किए NPCs, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के लिए बैक एंड पे बैंक्स ने इंटीग्रेशन की है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के साथ, तो अगर कोई भी ऐसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है थ्रू दीज अकाउंट्स, तो वो इस अकाउंट के ज़रिए अपना CDC के थ्रू, CDC के मैकेनिज्म के थ्रू सिक्योरिटीज़ ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड इसमें इंशाल्लाह रियल इस्टेट में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आ जाएंगी। हमने इसमें पॉलिसी में बिल्कुल प्रोविजन रखी हुई है और उसका जो बैक एंड पे एक ऑपरेशनल मैकेनिज़म है वो मुख्तलिफ इदारों के साथ तय हो रहा है, बैंक्स और इदारे आपस में तय कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद हफ्तों में वो भी मुयसर होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आज भी घर बनाने के लिए अपना पैसा बेचते हैं, अपने वालदैन, अपनी फैमिली के लिए भी घर खरीदते बेचते हैं, तो वो घर वो इस अकाउंट के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ पैसे भेज के बना भी सकेंगे, ख़रीद भी सकेंगे। तो ये 3-4 मोटे फीचर्स हैं जो सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये वैसे तो फोकस्ड है ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मैंने तफसील से या आपकी स्कीम में देख रहा था आज खासतौर पर, उसमें ये था कि जो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं जिनके डिक्लेयर्ड फॉरेन एसेट्स हैं वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, जो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। देखिए, इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक जगह जो हमने नॉन रेजिडेंट्स को दिया है तो वो तो ऑलरेडी उनका सरमाया चूँकि बाहर है या वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो सरमाया चैनलाइज होकर पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ जाएगा।
जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं और उन्होंने सरमाया डिक्लेयर किया अंडर एनी एमनेस्टी स्कीम या अदरवाइज उनके एक डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं बाहर मुयसर हैं वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकानमी का हिस्सा नहीं बन रहे, तो दैट्स वाई वो एक ऑप्शन उन्हें दी गई है कि वो उनका जो सरमाया बाहर पड़ा है वो लेके आएँ और पाकिस्तान की इकानमी में अपना हिस्सा डालें। तो वो सरमाया चैनलाइज हो गए इन अकाउंट्स के थ्रू और फिर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो भट्टी साहब तो ये जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनके जो ऑब्वियसली डिक्लेयर्ड फॉरेन एसेट्स, मगर ये ज़रूरी है कि ये फॉरेन एसेट्स मुल्क के बाहर हों, मुल्क के अंदर उनके डिक्लेयर्ड जो फॉरेन एसेट्स हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है जी। जो बाहर हैं वही देखें हम इकॉनमी की उसमें बढ़ोतरी कहाँ से आएगी कि वहाँ से उनका एसेट्स फ्लो होके आएंगे इन अकाउंट्स के ज़रिए तो आपकी इकॉनमी का हिस्सा बन सकेंगे। अगर मैंने या किसी और साथी ने यहाँ पे एक असासे डिक्लेयर किए और ऑब्वियसली हम ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें रख रहे होते हैं तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी मुयसर है ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे वो रियल इस्टेट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, या उसके अलावा कोई भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं या आपकी फैमिलीज़ करना चाहते हैं। तो मैं तो मेरे पास तो कोई ऐसी कदगन कोई पाबंदी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी, और मैं सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली अगर डिस्क्लोज करके कर रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, मुझे हर किस्म की सहूलतें मुयसर हैं। तो वो पर्सपेक्टिव ये था कि जिनके डिक्लेयर्ड हैं और बाहर पड़े हैं वो किसी हवाले से नहीं ला सके तो उन्हें चैनलाइज किया जाए और अपनी इकॉनमी के लिए उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया जाए। और ये सब टैक्स फ्री है ना सर? ये इसमें देखें दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स उस पर फुल एंड फाइनल टैक्सेशन है 10% इस वक्त, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई भी की हुई FBR ने। तो वो फुल एंड फाइनल से मतलब ये है कि मेरा मतलब अगर मैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूँ तो मैं 10% टैक्स दूँ और उसके अलावा दैट्स इट, प्रॉफिट पे आइए, ये सरमाए पर टैक्स नहीं है। मैं अगर मसलन $100 इन्वेस्ट करता हूँ और उस पर मुझे मसलन $5 रिटर्न मिलता है तो $5 पर मुझे सिर्फ 10% टैक्स देना है जो कि सिर्फ $50 बनता है या 50 सेंट बनता है। तो वो जो टैक्स है वो बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट पे है और वो फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं मांगा जाएगा मुझसे इन इन्वेस्टमेंट्स पे। थैंक यू सो मच। लेकिन जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है उसमें टैक्सेशन ऑब्वियसली वो रियल एस्टेट का है सर। जी जी, थैंक यू सो मच जनाब अरशद महमूद भट्टी, डायरेक्टर एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नासिर।